हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एल्युमिनियम शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम शेयर के ऊपर। स्टॉक गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला और स्टॉक तकरीबन 5.6% के तेजी के साथ अपने डे के हाईएस्ट लेवल पे ही क्लोज हुआ है। इस पर्टिकुलर वीक में अगर बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर वीक में स्टॉक 7.5% से ज़्यादा की गेन के साथ वीकली बेसिस पे क्लोज दिया है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग इस स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इस ब्रेकआउट का हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है। एक जो ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, 87 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का क्लोजिंग हुआ है 89 रुपीज़ 55 पैसे पे। यहाँ पे स्टॉक एक कंजेशन जोन में है, क्योंकि ये जो 87 से 90 का जोन है यहाँ पे स्टॉक पहले सपोर्ट लिया हुआ था, अब इस लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर आया है, बट अभी भी 90 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करके क्लोज नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे मंडे के सेशन में आपको गैप अप ओपनिंग होता है, 90 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपनिंग हो जाता है, तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नीचे के लेवल से हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। स्टॉक काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है क्लियरली हम लोगों को एक एसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे आपको प्राइस बिल्कुल ही एक नैरो जोन में ट्रेड किया, उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 90 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 100 का मिलेगा, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 120-130 का भी लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर जो है जरूर आपका ध्यान रहना चाहिए, यहाँ पे आपको एक अच्छा पोजिशन का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे पोजिशन लेते हैं तो आपका SL जो है बिल्कुल 10 रुपीज़ का रहेगा, 80 रुपीज़ के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 80 रुपीज़ के नीचे जाएगा तो प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक होगा, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। बेटर होगा हम लोग यहां से एग्जिट कर जाएंगे, वापस से री एंट्री जरूर ले सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए हम लोग यहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।